आज हमारे हाथ में लगा है ओप्पो का A59 5G। 1500 रुपए के प्राइस रेंज में आने वाला एक बजट फोन जो ओप्पो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ये कल से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, 25 दिसंबर से अवेलेबल होगा ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बट बात करें फोन को लेकर, क्योंकि 15000 का बजट एक ऐसा बजट है जहाँ पे काफी सारे लोग फोन खरीदना पसंद करते हैं, और ये एक बहुत परफेक्ट बजट सेगमेंट होता है जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के फोन मिल जाते हैं। अब ये जो फोन है ओप्पो का कितना इंप्रेस करता है, फटाफट इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल्स को समझते हैं। बट उससे पहले सभी को इंदौरी भाई की राम राम। खोल लेते हैं डब्बा। यहाँ पर डब्बे आपको देखो नॉर्मल ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, साइड में कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले आपका फोन मिल जाएगा, फोन के साथ में आपको कवर मिल जाता है, यहाँ पर टीपीयू नॉर्मल दे रखा है। उसके अलावा मिल जाएगा आपको एक चार्जिंग ब्रिक आपकी, और USB टाइप सी केबल आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल कर रखी है। सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, यानी कि पिन मिल जाएगी आपको, और कुछ कागज वगैरह दे रखे हैं जिनको रीड करना था तो आप रीड कर सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डिटेल में आपको समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। बट बात कर लेते हैं सीधे फोन को लेके, तो फोन का जो डिजाइन है वो पर्सनली मुझे इंप्रेस किया, क्योंकि डिजाइन सेगमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ओप्पो के फोन और वीवो के फोन काफी ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, काफी अच्छा डिजाइन भी वर्क करते हैं। इस फोन के साथ भी वही चीज करी उन्होंने कहा, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना कि फोन काफी लाइट वेट फील होता है। 189 ग्राम का ही आपको जो है यहाँ पर वेट दे रखा है टोटल, जो कि मेरा से बहुत सही है, लाइट वेट है। पर्सनली थीम भी डिजाइन में दे रखा है, और जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी हैंडहेल्ड है, मतलब आप इसको हाथ में इजीली पकड़ सकते हो, ग्रिप भी अच्छा हो जाता है। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू को लेकर, तो फोन में आपको मेटेलिक फ्रेम दे रखी है जिस आपके पूरी बॉडी जिस पर है स्ट्रक्चर्ड है। बैक में आपको यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है, कैमरा मॉड्यूल्स नजर आ जाएंगे, और ओप्पो की ब्रांडिंग दे रखी है। और ये जो कलर मेरे पास है ये है सिल्क गोल्ड, इसमें एक कलर अवेलेबल हो जाता है जो कि आपका स्टेरी ब्लैक है। काफी लोगों के लिए एक ब्लैक कलर कॉमन होता है, तो फोन में वो चीज आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर जो मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा था कि फ्रंट में आपको यहाँ पर जो है उन्हें ग्लास दे रखा है, बट ऐसा कोई प्रोटेक्शन के बारे में मेंशन नहीं है, तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा एक अच्छा सा ग्लास गार्ड जरूर से लगा ले फोन खरीदने के बाद। बॉटम में देखेंगे तो बॉटम में आपको टाइप सी पोर्ट दे रखा है, स्पीकर ग्रिल दे रखी है, माइक्रोफोन दे रखा है, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक अवेलेबल कर रखा है। काफी यूजर्स हैं जो आज भी वायर्ड ईयरफोन्स का यूज करना पसंद करते हैं, तो भैया आप लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज अवेलेबल है, तो आप खुश हो सकते हैं इस चीज को जान के। वहीं अगर साइड की बात करें, साइड में आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर प्रोवाइड कर रखा है, और अदर साइड में आपका पावर ऑन ऑफ बटन है, प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको उसी में इंटीग्रेट देखने को मिलेगा। अच्छा, सिम की बात करना भूल गया मैं, तो सिम में आपको यहाँ पर साइड में ट्रे दे रखी है जो कि वॉल्यूम रॉकर के ऊपर है। यहाँ पर सिम में आप दो सिम लगा सकते हैं, या तो या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो इन ओवरऑल टर्म्स डिजाइन जो है वो अच्छी लग रही है, बट बात करूंगा मैं इसके मेन हार्डवेयर को लेके, तो 5.56 इंच का HD+ डिस्प्ले इन्होंने यूज कर रखा है। दिस इज नॉट एमोलेड डिस्प्ले, नहीं IPS है, ये एक LCD डिस्प्ले है। तो क्वालिटी टर्म्स में अगर बात करूं तो इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारे ब्रांड्स हैं जो आपको एमोलेड प्रोवाइड कर देते, तो यहाँ थोड़ा सा मैं पर्सनली डिसअपॉइंट हुआ। और अगर ब्राइटनेस को लेकर बात करूं, तो जैसा कि इन लोगों ने मेंशन किया कि ये जो है 720 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में आता है, और ये सनलाइट डिस्प्ले, अब सनलाइट डिस्प्ले उन्होंने मेंशन तो कर रखा है, बट मुझे इसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा पीक लगी नहीं है कि अगर मैं आउटडोर सिनेरियो में इसको यूज कर रहा हूं जहां पे एक्सट्रीम लाइट आ रही है तो वहां दिक्कतें आपको जो है एक्सपीरियंस हो सकती हैं। मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि इसकी ब्राइटनेस थोड़ी डीम है। अब अगर मैं अच्छे पार्ट को लेकर बात करूं डिस्प्ले में, तो यहाँ पे 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलना था, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अगर आप UI से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्मूथ फील होता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं वो काफी आपको पंची देखने को मिलते हैं। और एज सच जैसे मैं अगर व्यूइंग एंगल को लेकर बात करूं तो सभी एंगल से जो है प्रॉपर दिख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे फोन है जो विंग एंगल्स में दिक्कत देते हैं, अगर आप राइट साइड से देख रहे हैं तो आपको प्रॉपर दिखता नहीं है, तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली डिस्प्ले में इंप्रेस करी है। बट अब एक जो बड़ी चीज जो काफी लोग बोलेंगे कि यार इसके जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा है, तो हाँ डेफिनेटली इसके बेजल्स ज्यादा है, प्लस टीयर ड्रॉप वाला इन्होंने नॉच यूज कर रखा है जो काफी पुराना हो गया है। मेरे से यहाँ पर थोड़े अपग्रेड्स की जरूरत थी कि इसको कहीं ना कहीं कट आउट कर लेते या फिर इसको छोटा पंच होल भी रखते तो वो भी अच्छा लगता है। ये टीयर ड्रॉप वाली चीज जो है पुरानी होगी कहीं ना कहीं। अब बेजल्स की बात करें तो बॉटम बेजल्स ज्यादा लगे मुझे पर्सनली, साइड के तो फिर भी ठीक है कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, बट बॉटम के थोड़े ज्यादा लगे, तो हाँ ये थोड़े बहुत चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नोटिस होंगी। अब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी से ये पैक्ड अप है, और आपको 33W का वुक सुपर वुक चार्जर सपोर्टेड, यानी कि 33W की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, जो कि डिसेंट है, क्योंकि आजकल मेरे से 45W एक मिनिमम फोन्स में आपको मिलने लगी है, और 65W 100W तक भी आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से 33W कहीं ना कहीं बेसिक हो गई है। ये 10,000 के फोन में भी आपको कहीं ना कहीं फीचर मिल जाता है। अब रही बात इन यूजेज एंड परफॉर्मेंस टर्म को लेके, तो एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला, तो ऐसे मुझे लैग ही फील नहीं हुआ है फोन, मतलब आप यूज कर रहे हैं 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है डिस्प्ले में। और बेसिक अगर आप फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, यानी कि आप यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, छोटे मोटे गेम भी अगर आप एक्सपीरियंस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने प्रोसेसर यूज कर रखा है वो है
मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020, एक मिड रेंज सेगमेंट का ही चिपसेट है। क्वालिटी परफॉर्मेंस के जब टर्म्स में बात करते हैं हम लोग, तो आपको एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि एक 5G चिपसेट है। ये एक अच्छी बात होती है, 7 nm पे इसको डिजाइन कर रखा है, और आपकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है ये आराम से, यानी कि आपके जो बेसिक टास्क वगैरह हैं उसको आप इजीली कर सकते हो, आपको लैग वगैरह फील नहीं होता है यहाँ पर। इन टर्म्स अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस मेरे हिसाब से आपको बढ़िया मिलने वाली है। 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ में ये वाला वेरियंट आता है। इसमें आपको इवन 6GB का एक्सपांडेबल स्टोरेज वाला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि वर्चुअली आप यहाँ पे 6GB की रैम और एक्सपांड कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो, और टोटल 12GB की रैम आपके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो बेसिक स्टोरेज है वो 6GB रैम में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर बात करूँ तो कलर ओएस पे ही वर्क कर रहा है, तो आपको एज सच कलर ओएस से कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको बढ़िया लगेगा वही आपको यहाँ पे फंक्शंस मिलते हैं। ऑलमोस्ट जो इनका यूआई है वो काफी सिमिलर ही रखा है, यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं है, और कस्टमाइजेशन के ऑप्शन जिस तरह से आपको मिल जाते हैं वॉलपेपर वगैरह को लेके, विजिट्स वगैरह को लेके, वो सारी चीजें आपको यहाँ कलर ओएस में मिल जाती है। और ये एंड्रॉइड 13 पे वर्क कर रहा है, तो एज सच आपको लेटेस्ट सारी चीजें यहाँ पर एनेबल्ड हो जाती है। बट एक फोन में हम लोग जब स्पेक को लेकर बात करते हैं वो होती है उसकी कैमरा क्वालिटी परफॉर्मेंस। कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पे 13 MP का आपको मेन कैमरा प्रोवाइड कर रखा है, और 2 MP का आपको बुके कैमरा दे रखा है बैक साइड में, और उसी के नीचे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट दे रखी है। इन्होंने फ्लैश लाइट के लिए एक और चीज यहाँ पर दे रखी है डिजाइन में, बट वो फ्लैश लाइट नहीं है, आपको कैमरा के मॉड्यूल के अंदर एक इंटीग्रेट लाइट देखने को मिलती है। अब परफॉर्मेंस के टर्म्स में बात करूँ तो आउटडोर सिनेरियो में आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे जनरेट कर लेता है, और आजकल AI का यूज काफी ज्यादा होने लगा है कैमराज में, तो यहाँ पर आपको AI एनहांस करके ऑप्शन भी दे रखा है, तो आप उससे कैमरा की जो क्वालिटी है और जो परफॉर्मेंस है कलर्स वगैरह को लेके उसमें थोड़ा सा आपको बेहतर इंप्रूवमेंट मिल जाता है। बट नाइट सिनेरियो की बात करता हूँ या फिर डिम लाइट सिनेरियो की बात करता हूँ तो वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी डल हो जाती है, आपको डेफिनेटली पिक्चर्स में नॉइज नोटिस होगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनॉय करती है, बट मेरे हिसाब से एवरेज परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मिल जाती है। जो कुछ कैमरा सैंपल्स हैं मैंने आपके सामने स्क्रीन पर अटैच कर रखे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस ये देता है। अच्छा, पोर्ट्रेट मोड्स भी इसमें अवेलेबल है, क्योंकि 2 MP का इन्होंने बुके कैमरा का यूज कर रखा है। एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप डेलाइट में अच्छे पोर्ट्रेट इससे एक्सपीरियंस ले सकते हो। अब यहाँ पर अच्छी बात पता है क्या है ना, कि आपने वीवो ओप्पो के फोन्स यूज कर रखे हैं तो आपको मालूम होगा कि इनमें जो ब्यूटिफिकेशन के मोड्स वगैरह दे रखे हैं स्पेशली फीमेल ऑडियंस को टारगेट करते हुए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा में मिलती है। 8 MP का फ्रंट कैमरा है, और क्वालिटी इंडो लाइटिंग में भी अच्छी मिल जाती है, बट यही है कि ये नेचुरल कलर्स नहीं प्रोड्यूस करता, थोड़ा सा मतलब आपको ब्लेमिश टोन मिलेगी यहाँ पर, जो शार्पनेस वगैरह वो काफी कम नजर आती है, तो थोड़ा सा उस तरह का कैमरा यहाँ पर है, और क्वालिटी जो है कुछ उसके सैंपल्स मैंने आपके सामने अटैच कर रखे, ये क्वालिटी आपको मिल जाती है। वहीं अगर वीडियो क्वालिटी को लेकर बात करूँ तो फुल HD आपको यहाँ पर सपोर्टेड है, आप यहाँ पर मैक्सिमम जो है 1080 pixel रिजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेम रेट वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको एनेबल नहीं कर रखा है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। हाँ, बट कैमरा में एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि इन्होंने गूगल लेंस को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा है इसके कैमरा ऐप में, नहीं तो काफी बार ये होता है कि हमें गूगल लेंस ओपन करने के लिए उसके एप्लीकेशन में जाना पड़ता है, तो यहाँ पर साइड में ही आपको वो दे रखा है। तो कैमरा क्वालिटी मेरे हिसाब से डिसेंट है, जो कि काफी लोगों को सही लग जाएगी मतलब इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। बाकी अगर मैं डेली टास्क के हिसाब से बात करूँ तो फोन काफी फुलफिल्ड अप है यहाँ पर, बट गेमर्स के लिए ये फोन डेफिनेटली नहीं है। परफॉर्मेंस आपको उतनी पीक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कैजुअल गेमिंग करना पसंद करते हो तो हाँ आप कर पाओगे, कि जो डायमेंसिटी चिपसेट यहाँ पर यूज कर रखा है वो एक मीडियोकर सेगमेंट का आपको चिपसेट देखने को मिलता है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट ना करें। डे टू डे टास्क अगर आप देखना चाहते हो तो ये डेफिनेटली फुलफिल कर देता है। अब जो प्राइसिंग रखी है इसकी लॉन्च की वो रखी है 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए के प्राइसिंग के हिसाब से मुझे पर्सनली थोड़ा सा ये जो है महंगा लगा है, बट हाँ इसमें एक इनिशियल ऑफर भी मिल रहा है, जो कि अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो ये आपको 12,500 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब इस प्राइसिंग पर अगर आप इस फोन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू एड करता है, अगर आप एक नॉर्मल फोन कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहते हैं फॉर डेली यूसेज। तो अगर आपको ये फोन इंटरेस्टिंग लगा या इसके बारे में कुछ और जानकारी जो मुझसे मिस आउट हो गई है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से करके जाना। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना चाहते हैं तो वसुंधरा इन्फोकॉम पे आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो, जहां पे आपको 2 साल की वारंटी वो प्रोवाइड करते हैं, पर्सनली 2 साल की वारंटी मिलती है, जहां आपको ब्रांड से 1 साल की प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही आपको EMI ऑप्शंस और बैंक वगैरह के ऑप्शंस भी वहां पर देखने को मिल जाते हैं, तो उनकी भी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेडून रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।